इलेक्शन सितंबर में हो सकते हैं। तो बस फिर हमने आपसे कह दिया था कि नहीं हो गए, अलग अलग नहीं हो सकते, हमारी बात तो सही हो गई। नहीं, आप समझे नहीं है कि आपका कहना ये था कि सिंध बलूचिस्तान और वो जो फेडरल इलेक्शन है ना, वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, मुद्दत से पहले नहीं हो सकते। लेकिन जो कुलेजन गवर्नमेंट है, उसने कल मुज़ाकरात में ये लचक दे दिया है कि सितंबर में हो सकते हैं। इन्होंने कहा नहीं, सितंबर में नहीं, अगस्त में होने चाहिए। आप ये पीटीए क्यों नहीं कह रहे हैं कि पहले के इंसाफ जो है 14 मई से पीछे हट गई है, और उन्होंने कहा था कि 2 और 2.5 है नहीं होंगे तो हम तहरीक चलाएंगे। अब इस बात पर आ गए हैं कि बजट के बाद हो, तो बजट के बाद सबकी मुद्दत पूरी हो रही है, जुलाई में तो मुद्दत तो पूरी हो रही है। अब 2 दिन पहले हो जाए, 4 दिन पहले हो जाए, वो तो इशू नहीं है। इशू ये था कि इकट्ठे हो जाए, जो मैंने तीनों असेंबली का नाम लिया उसकी वजह ये थी कि अगर पंजाब और केपी के इलेक्शन पहले होते हैं तो जब उनके इलेक्शन तीनों असेंबली को होंगे तो उधर जो है जिसकी भी हुकूमत होगी वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो हमारा एनालॉजी ये है कि किसी का अलग से होने से दूसरे असेंबलियों के इलेक्शन वो प्रेजुडिस हो जाते हैं। तो वो बात अब दोनों ने तस्लीम कर दी है कि हाँ इकट्ठे होने चाहिए ताकि एक जगह का हुकूमत दूसरे को इन्फ्लुएंस न करे।